मॉर्निंग फूडीज, आज मैं बनाने जा रही हूँ मशरूम सैंडविच। मशरूम सैंडविच बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं व्हीट ब्रेड, आप चाहे तो कोई भी ब्रेड यूज कर सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पे लिया है मशरूम, मैंने 200 ग्राम मशरूम लिया है, इसको मैंने वो अच्छे से वॉश करके चॉप कर लिया है। और यहाँ पे मशरूम के मैंने डेंठल लिए हुए हैं क्योंकि इनमें बहुत अच्छा न्यूट्रिशन पाया जाता है, सो मैंने इनको लिया है। फिर मैंने लिया है एक छोटा सा प्याज, प्याज को भी मैंने फाइन चॉप कर लिया है। और यहाँ पे मैंने 2 क्लोव लहसुन के लिए हैं, इनको भी मैंने फाइन चॉप कर लिया है। और मैंने 30 ग्राम चीज़ ली है, इसको भी मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। यहाँ पे मैंने लिया है सॉल्ट और थोड़ा सा ऑरिगेनो, एंड मैंने लिया है काली मिर्च पाउडर, और मैंने लिया है बटर, और मैंने ली है तंदूरी मेयोनीज। आप चाहो तो वाइट मेयोनीज यूज़ कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पे तंदूरी मेयोनीज यूज़ करी है। और चलिए चलते हैं हम अपने प्रोसेस की ओर और बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाया मैंने, पैन पे थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है जिससे कि हमारा बटर चिपके ना, और अब मैं इसमें थोड़ा सा बटर ऐड करूंगी। हमारा बटर अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, फिर मैं इसमें ऐड करूंगी मशरूम। जब तक हमारा बटर मेल्ट होता है, इसमें ऐड करते हैं मशरूम। मशरूम को हम अच्छे से सॉटे करेंगे, और इसमें मैंने थोड़ा सा डाल दिया है प्याज जो मैंने कट करके लिया हुआ था, और मैंने इसमें ऐड कर दिया है लहसुन। अब इसको हम 2-3 मिनट तक पकाएंगे। हमें अपने मशरूम को ज़्यादा तेज आंच पे नहीं पकाना है, इसको मीडियम फ्लेम पे पकाना है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा तेज पकाएंगे तो ये मशरूम पकेंगे नहीं बट जलने लगेंगे। तो हमें इसको धीमे धीमे पकाना है, एकदम धीमी आंच में। ये हमारे मशरूम ने अपना पानी छोड़ दिया है, तो मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करूंगी। मशरूम को हमें जब तक पकाना है जब तक ये जो इनका पानी निकला हुआ है ये पूरा एब्जॉर्ब ना कर ले या सूख ना जाए पूरा पानी, तब तक हमें इनको पकाना है अच्छे से। इसको मैं 2 मिनट के लिए कवर कर देती हूँ। चेक करते हैं, अभी इसमें थोड़ा सा पानी बचा हुआ है, इसी टाइम हम अपने डंठल को इसमें ऐड कर देंगे। ये डंठल थोड़ा ज्यादा पके हुए हैं एज कम्पेयर टू मशरूम, अभी 1 मिनट की और जरूरत है हमको इसको ढक के पकाने की, तो 1 मिनट के लिए हम इसको ढक के छोड़ देते हैं। 1 मिनट हो चुका है, हमारे मशरूम पक चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, फिर इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। मशरूम और प्याज की बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। अब हम अपने फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको सर्व कर लेंगे किसी कंटेनर में। यहाँ पे मैं अपनी सैंडविच को बनाना स्टार्ट करती हूँ। सैंडविच बनाने सब फर्स्टली मैं इसमें तंदूरी मेयोनीज को अच्छे से स्प्रेड कर दूंगी ब्रेड के ऊपर।
मैंने इसमें अच्छे से मिक्स कर दिया है। ऐसे ही हम अपने सारे ब्रेड के ऊपर मेयोनीज को मिक्स कर देंगे और जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा मेयोनीज का वो हम निकालते जाएंगे। हम अपने ब्रेड के दोनों साइड में मेयोनीज अंदर की तरफ लगाएंगे। हमने मेयोनीज को अच्छे से मिक्स कर दिया है, जो एक्स्ट्रा मेयोनीज थी वो हमने निकाल ली है। इसको मैं अलग एक कहीं पर रख दूंगी। अब मैं इसमें ऐड करूंगी अपने मशरूम को। इसी तरह हम अपने दोनों सैंडविचेस के अंदर मशरूम को ऐड कर देंगे। इसके ऊपर हम अपने क्यूब्स को ऐड करेंगे इस तरह। ये चीज क्यूब्स हैं, इनको मैंने बहुत छोटा छोटा पीस में काट लिया है। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूं थोड़ा सा ओरिगैनो। और हमारे ब्रेड के सैंडविचेस अब हो गए हैं रेडी, सो इनको हम अब सेक लेते हैं। तो हम अपनी फ्लेम को ऑन करते हैं। हमारा पैन गर्म हो रहा है, अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा बटर। बटर को अच्छे से मिक्स कर देंगे, पूरे पैन में स्प्रेड कर देंगे बटर को। और देन हम इसमें ऐड करेंगे सैंडविच को इसमें ऐसे, और हाथ से इसको अच्छे से पुश कर देंगे। मैं ऊपर की साइड भी सैंडविच को वो कर लेती हूँ, अच्छे से मैंने इसमें बटर को कवर कर दिया, बटर से कवर कर दिया है सैंडविच को ऊपर की साइड भी। और अब मैं अपने सैंडविच को टर्न कर देती हूँ। हमारी सैंडविचेस पक चुकी हैं दोनों साइड से अच्छे से। अब मैं इसको एक प्लेट में सर्व कर लेती हूं। इसी तरह हम अपनी बाकी बची हुई सैंडविचेस को सेक लेते हैं। मैंने ब्रेड पे अच्छे से बटर को स्प्रेड कर दिया है। दूसरी साइड भी हम अच्छे से बटर को लगा देते हैं ब्रेड के ऊपर। हमारी सैंडविच यहाँ पे बन चुकी है। ऐसे ही आप अपनी सारी सैंडविचेस को बना लीजिए। ये है हमारी मशरूम सैंडविच। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।